प्रधानमंत्री जी और पूजनीय मुख्यमंत्री जी, डबल इंजन की सरकार जो चल रही है और जिस तरह से पूरे देश में अच्छा काम हो रहा है, कहीं ना कहीं आजमगढ़ भी उसी से प्रभावित होकर के और यहाँ कमल खिलाया है, एक उम्मीद में कमल खिलाया है कि जैसे बाकी जगह का संपूर्ण विकास हो रहा है वैसे आजमगढ़ का भी होगा और इस उम्मीद पे हम लोग खरा भी उतरेंगे। अब आजमगढ़ कमल खिला है, इसे लेकर के हम जाएंगे अपने प्रधानमंत्री जी के पास, मुख्यमंत्री जी के पास और उनसे विशेष आग्रह करेंगे कि हम लोग के पास समय कम है और काम ज़्यादा है, तो दोनों सरकार को, केंद्र सरकार को भी और हमारे उत्तर प्रदेश सरकार को भी, आजमगढ़ पे फोकस करके और विशेष रूप से आजमगढ़ के लिए कृपा करके कार्य कराना पड़ेगा, तो ही उम्मीदों पे हम लोग खरे उतर पाएंगे जो आजमगढ़ की जनता ने उम्मीद से कमल खिलाया है। हंड्रेड परसेंट होगा, आजमगढ़ में ही होगा। और आजमगढ़ में वैसे भी मेरा, आप लोगों को बता दूं, मेरी मौसी का घर आजमगढ़ ही है, मेरे बुआ का घर आजमगढ़ है, मेरी दीदी का घर आजमगढ़ है, तो जिनको लगता है कि मैं बाहर से आया हूं वो लोग भ्रम में हैं, उनको पता ही नहीं है कि मेरा पूरा बचपन आजमगढ़ में बीता है। मैं ज़्यादातर, मेरे दोस्त मित्र साथी और जितने सहयोगी हैं सब आजमगढ़ में हैं, जितने साथी कलाकार आपको दिख रहे थे चुनाव के दौरान वो सब आजमगढ़ के हैं, तो मैं आजमगढ़ में ही रहूँगा और आजमगढ़ के लिए काम करने ही आया हूँ। और जी दिनेश जी, समाजवादी पार्टी लगातार कह रही थी कि नाचने गाने वाले लोग हैं, इनकी राजनीति में क्या जरूरत है, क्या जवाब देना चाहेंगे आज? नहीं, मैं उनको जवाब देने की मुझे जरूरत नहीं है, मुझे लगता है जनता ने उनको जवाब दे दिया है और हम लोग तो बस अब जनता के सेवक बने हैं, जनता की सेवा करेंगे, उनको जैसे जनता ने जवाब दिया है उनको जवाब मिल गया है। जी, थैंक यू।